वो दी जाती थी। हम देश के सैनिक हैं, हम देश की रक्षा करते हैं, हमसे बेहतर कौन जानता है कि हमारी एकता के बिना ये देश की सुरक्षा कैसी होगी। सबसे पहले आपको बता दूं बात में, इस देश का सैनिक सबसे पॉर्डर पर रहता है, तब हम आप आज ये चर्चा कर रहे हैं। हम आप सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे देश के सैनिक वहां लड़ रहे हैं, और हमारी जो ये जो लड़ाई है या मांगे हैं, हमें किसी सरकार या किसी अफसर के अगेंस्ट में नहीं है। ये लड़ाई हमारी एक व्यवस्था के प्रति लड़ाई है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी संगतियां शुरू से होके आई है। सामने देखते हैं अभी सर, इन सब विसंगतियों जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो झगड़ा है वो एक घर परिवार में भी हो जाता है, तो किस बात को लेकर झगड़ा था? सामने देखते हैं। देखो ऐसा है, ये एक हमारे हमने हरियाणा से एक प्रधान यहाँ से ही चुना गया था, उसके ये समर्थन नहीं करना चाह रहे थे, कुछ ऐसी बात थी। वो हम फिर वहाँ से आए तो हमने इनसे विचार विमर्श किया कि भाई 27 तारीख को हम आकर के आपसे बात करेंगे, और आप इस बात का पहले तो ये पता लगाना चाहते हैं ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने अपने कुछ कारण रखे, कारण कोई स्पष्ट नहीं मिल पा रहा हमारे को, क्योंकि हमने सब उनको चुना है, और हम हमारी जितने भी जो हमारे लोग हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, सब हमारे संगठन के एक हमारे अध्यक्ष को हमने चुना है, तो वो हमारा नुमाइंदा है, वो हमारा तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसलिए उस बात को लेकर के हमारी बातें चल रही थी, और कोई बात नहीं थी। वो हम चाहते हैं लोकतांत्रिक ढंग से, आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मतलब, हम तो यहाँ पर आपके जंतर मंत्र पे आए हैं, और इस बात के लिए कहीं नहीं जाएंगे हम। आपकी कुछ आपकी बात थी जो उसको हम बता रहे थे, हो सकता है कि उसमें कोई तनाव आ गया होगा, कोई अपनी बात को रख सही से, क्योंकि भीड़ में कभी भी आपको बात नहीं ठीक कर सकते, कई बार भीड़ में एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते, और झगड़ा नहीं था ये कोई, लेकिन तनाव जरूर हो गया होगा थोड़ा सा। कल 28 तारीख की योजना क्या है, क्या उद्देश्य लेके आए हैं आप अपने साथ? हमारे उद्देश्य तो एकता है, हमेशा रहेगी, और हर एक उद्देश्य हमारा एकता दिखी नहीं सर आज। नहीं नहीं एकता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, एकता नहीं दिखी, ये एकता है और एकता ही रहेगी सर। देखिए पूरे देश ने जो है हमारे अलग अलग जो चैनल है उन पर देखा है कि आप में जो मतलब सर देखिए, एक बातचीत वाली लड़ाई होती है, तेज आवाज में लड़ाई होती है, वहाँ पर हाथापाई, सिर्फ हाथापाई जो होती नहीं, है नहीं, आप हाथापाई एक अच्छे तरीके से हो गई थी, बात मत करिए, वहाँ पर कोई हाथापाई नहीं थी। हाँ थोड़ा जोश आ जाता है दोनों तरफ से, और बीच में आप लोग भी सर ये बात हम थोड़े ना बोल रहे हैं, तो पूरा देश देख रहा है, कोई देश देख रहा है, वो दिख भी रहा है सबको, सबके अंदर एनालिसिस होता है, एवरीबॉडी नोज हाउ टू यू नो हाउ टू एनालाइज थिंग्स। ओके आप ये मत कहो, अपनी भाषा मत बोलो, हम बता रहे हैं वो बात सही है, कोई गलती नहीं है, दो गुट में नहीं बैठेंगे। ना 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 गुट कभी नहीं, सैनिक कभी गुट में बैठ नहीं सकता, सैनिक एक है। पुलिस वालों ने बाहर कर दिया, ऊपर जाकर बैठेंगे नहीं। हालात इस तरीके के हो गए थे कि जो जंतर मंतर की जो पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस है उसे आना पड़ा, उसे बीच बचाव करना पड़ा। देखो इस तरीके के हालात हो गए थे। पुलिस क्या है, ऐसे आई वो पुलिस आ रहती है, तैनात रहती है हमेशा, और पुलिस ये देखती है भाई कोई ऐसे आगे बात ना, प्रिवेंशन के तौर पर आती है, कोई झगड़ा के तौर पर नहीं। फंड की बात हो रही है, फंड का मसला क्या है? नहीं नहीं कोई फंड का मतलब, अभी देखो अगर कोई आ रहा है फंड तो उसका हिसाब किताब भी होगा और होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। अगर हम कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मान लिया जाए कि सारा विवाद फंड को लेकर हो रहा है, ना फंड को लेकर बिल्कुल भी नहीं है, फंड एक अलग चीज है, फंड तो आपका ऑडिट भी होगा, सब कुछ होगा उसके लिए, ये कोई ऐसा नहीं, ये हमारा जो तरीका है, क्या बोलते हैं, संविधान है, हमारा व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब देखता है, कोई भी चीज का फंड का ऑडिट होता है, कोई ऐसा नहीं। सर एक सवाल और, आप 100 दिनों देश की रक्षा करते हैं, आप 97 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। सरकार जरूर सुनेगी, सरकार के पास बहुत काम होते हैं, देश की बहुत समस्याएं हैं, सरकार जरूर सुनेगी, और सरकार का एक तरीका होता है सुनने का समझने का, वो अपनी प्रोसेस में है, बिहाइंड द सीन है, वो सब काम चल रहे होंगे, लेकिन हम ये विश्वास करना पड़ेगा सरकार के ऊपर, सरकारें ही सुनती हैं जनता के लिए, जनता सुनती है जनता उसका। आपकी अब ये जो आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ जी, जो भी मनमुटाव जो भी हो, अब इसको इसके बाद अब आप लोगों की क्या रणनीति है आपकी? कोई झगड़ा नहीं है, और ये अगर कुछ मनमुटाव हो भी गया उसको दूर करेंगे। कैसे करोगे? इन लोगों ने तो आपको बाहर भेजा, आप लोग बाहर आ गए खुद, किसी ने कोई बाहर नहीं भेजा, ये अपने आप सोचता है, क्योंकि समय हो गया, वहाँ से बोर्ड बैनर तक हट गए। नहीं नहीं वो समय 4 बजे तक का समय था, उस समय के 4 बजे होता है, हम देखते हैं वो तो नहीं, आज का जो था ये यही हुआ। देखो क्या होता है ना, अगर कुछ चीज ऐसी लगे कि भाई अभी ज्यादा बढ़ी तो अपना उसको चुपचाप रहने में अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई चीजें
जब समय नहीं था, हो सकता है बावलापन वो लोग मतलब फालतू में आरोप लगा रहे हैं कपिल जी के, कह रहे हैं हाईजैक करने आए ये लोग। ना 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 वो गलत है, शायद उनको गलत फहमी होगी इस बात की, ऐसा नहीं है। हम जब चले थे इसी मकसद चले थे भाई, कुछ जो हमारे आपका मकसद क्या था, मांग क्या था? हमारा मकसद यही था कि भाई जो हमारे अध्यक्ष को ये लोग स्वीकृत नहीं कर रहे थे, हम उसको बताने आए थे कि क्यों नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने कारण अपने मन में रखे हैं, वो बताए नहीं है, कुछ होंगे पर्सनल रीजन, व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन